हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम योर फ्रेंड अभिषेक द्विवेदी हियर। आप सभी का एबीडी एग्रीकल्चर्स पॉइंट पे स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज एक बहुत विशेष दिन है और इस दिन से मैं अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, एबीडी एग्रीकल्चर्स पॉइंट। आप सबको तो पता होगा कि आज क्या है। आई होप ऑल आर यू ऑल आर नो अबाउट दिस डे। First of all, lots of well wishes to all of you for World Water Day. It's a great and important day to all of us because this day have lots of meaning and importance to our life. जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास कुछ ऐसा है। सन 1992 में यूएन असेंबली ने रियो डी जनेरियो पर हुई एक बैठक में विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक बिल पारित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व की ज़्यादातर जनसंख्या जो शुद्ध एवं सुरक्षित पानी नहीं, जिनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको शुद्ध एवं सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्होंने एक बिल पारित किया जो वर्ष 1993 से आज तक लगातार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं काफ़ी समय से अपना ये चैनल शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रही थी, जो मुझे आज लगा कि ये दिन सही हो सकता है। बिकॉज नाउडेज द वाटर कंजर्वेशन या वाटर क्राइसिस इज अ बिगेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज इन द वर्ल्ड। हम सभी को भविष्य में जल का उपयोग तो होता ही रहेगा, लेकिन उसको सुरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। इसलिए हम सबको, हम सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ इस दिन को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में ही ना मनाएं, उसको हम ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करें। जहाँ जिस स्तर पे हम लोग हैं, वहाँ हम पानी संरक्षित करें, प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी बेहतर निभाएंगे और अपरोक्ष रूप से हम पूरी मानवता के लिए एक अतुलनीय योगदान देंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सब इस दिन वी शुड टेक अ ओथ टू कंजर्व वाटर। हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम आगे पानी को संरक्षित करेंगे, प्रदूषित होने से बचाएंगे, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट दे सकें। बेसिकली आज तो ये इस दिन के बारे में हमने बात की, लेकिन मेरे चैनल शुरू करने का उद्देश्य, मैं इस पे जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिस पे एग्रोनॉमी, वेट साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, सॉयल साइंस, ये प्रेफरेंसली मैं इन सबको ज़्यादा कवर करूंगा। पहले मैं इनको प्रेफर करूंगा, इसके बाद जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करूंगा। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है बीएससी एग्रीकल्चर, इसके बाद एमएससी एग्रोनॉमी है, और इन दिनों मैं जूनियर रिसर्च फेलो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में हूँ, एक प्रोजेक्ट पर कार्यरत हूँ। और साथ में अपना, मैं जो मेरा पैशन है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा था। पैशन मेरा टीचिंग पे जाने का ही है। तो आई होप अगर आप सबका प्यार मिला तो मैं इस चैनल के माध्यम से खुद का भी अनुभव बढ़ाऊंगा, आप लोगों को भी, उन छात्रों को जो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो राज्य स्तरीय कृषि से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धाएं होती हैं,
उन पे भाग ले रहे हैं, उनके लिए मैं शायद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाऊंगा अगर आप सबका सहयोग रहा।